दोस्तों एक जमाना था जब बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टर्स को बोलना होता था कि अरे यार मैच दिखा दो प्लीज, या फिर उनको बाहरी विदेशी टीमों को बोलना पड़ता था कि यार इंडिया आ जाओ खेलने के लिए। लेकिन आज ये मामला पूरा पलट सा गया है। बीसीसीआई इज द मोस्ट पावरफुल क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड और इज ए मनी मेकिंग जायंट बेसिकली। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे बीसीसीआई ने एकदम तख्ता पलट सा दिया और अब इंडिया आने के लिए कैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमें भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मैच इंडिया में खेलें। दोस्तों ये कहानी आपको बताने के लायक इसलिए है क्योंकि बीसीसीआई जो पहले ब्रॉडकास्टर्स के सामने गिड़गिड़ाती थी कि यार कोई स्पॉन्सर मिल जाए, आज वही बीसीसीआई स्टार स्पोर्ट्स से हमारे डोमेस्टिक जो वन डे टेस्ट या T20 मैचेस होते हैं उस मैच के एक मैच के वो 55 करोड़ रुपए चार्ज करती है। और आईपीएल तो आप सब देखते ही हैं, तो आईपीएल में वो स्टार स्पोर्ट्स से एक मैच के 65 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है। ये तो आज का है लेकिन पहले ये एकदम उल्टा सा था। जब दूरदर्शन का नाम तो सुना ही होगा आपने, डीडी नेशनल चैनल, तो वो डीडी नेशनल चैनल बीसीसीआई से पर मैच का 5 लाख रुपए चार्ज करती थी। पहले उल्टा था, पहले बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते थे और अब बीसीसीआई स्टार स्पोर्ट्स से 55 से 65 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है। एकदम ये तख्त पलट दिया यहाँ। दोस्तों पहले जब बाहरी विदेशी टीमें जो होती है जैसे कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की, वो भारत में अगर खेलने आती थी तो वो डिमांड करती थी कि हमें इतने पैसे दीजिए, इतने सारे अमाउंट में मनी दीजिए, तभी हम भारत में खेलने आएंगे। लेकिन आज एकदम तख्त पलट सा गया है क्योंकि अब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 वनडेज खेलें, 5 टेस्ट मैचेस खेलें इंडिया में, ताकि उनको भी स्पॉन्सर्स, उनको भी ब्रॉडकास्टर्स लिस्ट मिले। ये कहानी हमारे देश के क्रिकेट डोमिनेंस की है क्योंकि अब हमारे देश के क्रिकेट ने पूरी दुनिया का तख्त पलट सा दिया है। ये कहानी शुरू हुई 1983 में जब हमारे देश ने वर्ल्ड कप जीता कपिल देव के नेतृत्व में। तो पूरी दुनिया ने ये जाना कि यार इस टीम को हल्के में लेना इतना आंकना इतना आसान नहीं है, इस टीम में भी दमखम है। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारे लोग आ गए कि यार ये ले लो पैसे लो, या फिर बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स आ गए, मल्टी मिलियनर प्रोजेक्ट्स मिल गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा संघर्ष तब भी जारी हुआ और तभी से स्टार्ट। 1983 का वर्ल्ड कप जीतकर हम अपने आप को क्रिकेट के स्तर पर बहुत ऊंचा करके ले गए। लेकिन जब 1987 में एक वर्ल्ड कप हुआ जिसे हम रिलायंस वर्ल्ड कप के नाम से भी जानते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और ईडन गार्डन्स में उसका फाइनल हुआ था, उसकी मेजबानी भारत ने की थी। ये पहली बार था जब भारत किसी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था। इससे पहले जितने भी 3 वर्ल्ड कप हुए 1975, 79 और 83, तीनों की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी और ये पहली बार हुआ जब इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप आया था। और ये इट वॉज बेसिकली अ शेम फॉर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, जो कि उस टाइम की सुपर पावर कंट्री थी, कि उन्होंने मेजबानी तक नहीं की वर्ल्ड कप की और वो भारत के पास आ गया। ये बीसीसीआई के पावर के बढ़ते हुए कदम की एक सोच थी। लेकिन 1987 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई उस टाइम इतनी पावरफुल बोर्ड थी नहीं, तो यहाँ तक उनको स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे थे वर्ल्ड कप के लिए। और दोस्तों ट्रॉफी, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए भी उनको पैसे इकट्ठे करने पड़े। तो आप सोच सकते हैं कि बीसीसीआई कहाँ से कहाँ उठकर आज कहाँ बैठी है। इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद भी 1992 में बीसीसीआई को 62 लाख रुपये का नुकसान था। द एनुअल रिवेन्यू जब देखा गया तो उसमें 62 लाख का नुकसान था बीसीसीआई को 1992 में। क्योंकि अब 5 लाख रुपये आप दूरदर्शन को दे दोगे टेलीकास्ट के लिए, फॉरेन टीम्स को दे दोगे, तो आपको नुकसान तो सहना पड़ेगा ही। अब आया 1993 तो बीसीसीआई ने हार मान ली और वो कोर्ट के पास चले गए कि यार हमें अपने राइट्स बेचने हैं। तो वहाँ से TWI ने बीसीसीआई के राइट्स खरीदे और फिर दूरदर्शन ने उस राइट्स को खरीदे और फिर वहाँ से जो बदलाव आया दोस्तों, क्योंकि इसमें वैल्यू तो था, सबको पता था क्रिकेट वॉज ए बूमिंग सेक्टर एट दैट टाइम, और अब तो खैर बात ही नहीं करनी उसकी। सो 1993 में TWI के खरीदने के बाद उसे दूरदर्शन ने खरीदा और $6 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला बीसीसीआई को, $600,000 का इन्वेस्टमेंट मिला और वहीं से हमारे क्रिकेट की सूरत बदलनी शुरू। अब आता है सन 2000 जब दूरदर्शन ने बीसीसीआई के साथ 240 करोड़ रुपए की करार किया कि अगले 2000 से 2004 तक, मतलब अगले 4 साल तक हम सारे ब्रॉडकास्ट आपके दिखाएंगे, सारे मैचेस आपके दिखाएंगे। क्योंकि जब 2006 आया दोस्तों तो ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया क्योंकि उस टाइम सचिन तेंदुलकर अपने प्राइम में थे, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने ऑलरेडी डेब्यू कर लिया था इंडिया के लिए,
और फिर हमारे शेर तो थे ही जगमोहन डालमिया, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे और बाद में चल के आईसीसी के प्रेसिडेंट भी बने। 1996 में जब वर्ल्ड कप हुआ तब इंग्लैंड ने श्रीलंका में जाने से मना कर दिया कि हम वहाँ खेलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ उस समय कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट ग्रुप्स की काफ़ी चर्चा हो रही थी। तब जगमोहन डालमिया ने ये रिस्क लिया और 1996 की मेजबानी भारत ने की वर्ल्ड कप की, वो एक तरह के शेर ही। 2006 में दोस्तों निम्बस, जो कि नियो स्पोर्ट्स आपको चैनल शायद याद होगा, उसने बीसीसीआई के राइट्स खरीदे $612 मिलियन में। और फिर क्या था, 2008 में जब आईपीएल आया तो सोनी ने राइट्स खरीदे $918 मिलियन में। उसके बाद ये देखिए, जब आईपीएल सक्सेसफुल हो गया अगले साल उसके रेट्स काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि एक आईपीएल एक ब्रांड बन गया था, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर्स, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स, सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स आईपीएल के साथ थे। तो फिर उसको रीनेगोशिएट किया गया उस प्राइस को, और फिर सोनी ने वापस बीसीसीआई से उसी राइट्स को 912 से बढ़कर $1.63 बिलियन में ख़रीदा। फिर क्या था, 2012 में स्टार आ गया, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आ गया और बीसीसीआई की चांदी चांदी हो गई, पैसे चारों तरफ से बरसने लगे और फिर हमारा ग्रास रूट लेवल भी इम्प्रूव होने लग गया क्रिकेट। दोस्तों अब तो ये हाल है कि जो क्रिकेट की कंट्री से जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, वो ये कहते हैं कि भले वर्ल्ड कप ना हो, भले हम वर्ल्ड कप पे ना खेले, लेकिन हमारा प्लीज़ एक इंडिया का टूर तो करा दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ का ब्रांड है, जो इमोशन है लोगों में, जो पैसा है यहाँ पे, जो ब्रॉडकास्टर, जो स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं, वो और कहीं नहीं है। That's how BCCI has come from the root and now they are at the top. दोस्तों भले हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता या 2002 का नेटवेस्ट ट्रॉफी जीता, 2003 के फाइनल में गए, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2015-2019 में सेमीफाइनल में गए, 2017 में फाइनल में गए चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन 2000 के समय एक बहुत बुरा वक्त था हमारे देश के लिए, हमारे क्रिकेट के लिए, जब फिक्सिंग का एक दौर आया था। तो इसलिए मैं दोस्तों ये कहता हूँ कि भले कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता हमारे लिए, भले महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन जो हमारे देश के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं वो सौरभ गांगुली हैं, क्योंकि हमारे देश की स्थिति, हमारे क्रिकेट की स्थिति इतनी बुरी थी फिक्सिंग के टाइम कि बड़े बड़े लोग उसमें, उनका नाम आ रहा था उसमें, टूर्स कैंसिल हो रहे थे, प्लेयर्स के ऊपर जांच बैठ रही थी, तब एक शेर आया जिसे हम दादा कहते हैं, सौरव गांगुली कहते हैं, उन्होंने कमान संभाला और हमारे देश को इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स दिए हैं जो कि बाद में चलकर हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं। तो सौरव गांगुली को मैं सलाम करता हूँ और आज वो हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं ये भी आशा करता हूँ कि हमारे देश में क्रिकेट का स्तर और बढ़ता जाए और इन्वेस्टमेंट्स और आते जाएँ और हम बाकी देशों से काफ़ी आगे निकल जाएं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, बीसीसी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको कि कैसे हम ज़मीन से उठकर आसमान पे हैं आज और बाकी देश हमारे सामने पानी पानी है। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।